फिर अब ऐसी कौन से शिव ठाकरे के फ्रेंड है यार जिन्होंने उनको विश किया है खतरों के खिलाड़ी जाने से पहले, और साथ ही साथ ये भी चीज कही है कि यू नो द गेम। तो आखिर ये कौन है, और आपको बता दूं कि भाई जिनकी मैं बात कर रहा हूँ ये इनको रियलिटी शो का सबसे बड़ा स्टार बोला जाता है, या फिर आप ये भी कह सकते हो इनको हुकुम का इक्का जो है वो बोला जाता है रियलिटी शोज में। मतलब इनको उस लेवल का प्यार मिलता है रियलिटी शो में, मतलब बहुत लेवल का प्यार मिला है भाई इनको। अभी आपको बता दूं कि रिसेंटली ये लॉकअप का भी हिस्सा रहे थे। तो कौन है ये, आइए आपको देते हैं इस बारे में पूरी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं फीफा फूज और मैं हूं आपका अपना दोस्त और होस्ट गणेश कांतू। अगर बात की जाए शिव ठाकरे की, तो जिस तरीके का अपना परचम उन्होंने लहराया है बिग बॉस सीजन 16 में, हर कोई उनका दीवाना हुआ, हर किसी ने उनको पसंद किया। इनिशियली भले ट्रॉफी उनके हाथ में ना आई हो, लेकिन जो चीज़ उनके पास आई वो शायद बाकी बहुत सारे लोगों के हक में नहीं गई है, वह जनता का प्यार, जिस वजह से आज भी शिव ठाकरे जो है ट्विटर पे ट्रेंड कर रहे हैं इस हैशटैग के अंडर की खतरों के खिलाड़ी विनर शिव ठाकरे। मतलब अभी से उनके फैंस को जो है शिव पर इतना ज़्यादा भरोसा है कि शिव जो है वही खतरों के खिलाड़ी के विनर बनेंगे। और इसी के साथ साथ शिव को लेकर बहुत सारी बातें जो हैं ट्विटर पर हो रही हैं कि यार शिव जो है वो खतरों के खिलाड़ी जा रहे हैं। मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं टास्क जानते हैं, रूडीज के सेमीफाइनलिस्ट रहे, मराठी बिग बॉस विनर रहे, हिंदी बिग बॉस के टॉप टू में थे, तो कहीं ना कहीं रियलिटी शोज का प्रेशर जानते हैं, टास्क किस तरीके से करा जाता है जानते हैं, कुछ फियर्स हैं शायद जिसको वो ओवरकम करेंगे, और कुछ ऐसी भी चीज़ें होंगी जो शायद वो नहीं सीखेंगे। लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच में भाई उनको अगर किसी का सपोर्ट मिला है तो वो है रियलिटी शो के किंग, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि रियलिटी शो के स्टार, रियलिटी शो के किंग, या फिर बेताज बादशाह। मैं बात कर रहा हूँ प्रिंस नरूला की। आप सब जानते हो कि प्रिंस जो है वो भाई 2-3-4 रियलिटी शो जो है नॉन स्टॉप जीते हैं, और इस वजह से उनको जो है बहुत पसंद, मतलब प्रिंस की अगर बात की जाए तो प्रिंस को ओवरऑल जनता ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। प्रिंस जो है अभी हाल ही में लॉकअप में एज अ हुकुम का इक्का कह सकते हो, गेम चेंजर बनकर भी आए थे, और अब उन्होंने शिव ठाकरे को विश किया है ऑल द बेस्ट। आप देख सकते हो शिव ने स्टोरी लगाई है, ये इस पर लिखा है प्रिंस ने टैग करते हुए कि ऑल द बेस्ट मेरे भाई शिव ठाकरे, यू नो द गेम, जीत के और मज़े करके आना, प्राउड ऑफ यू। जिस पर शिव ने रिप्लाई करते हुए लिखा है थैंक्स भाई, लव यू। और आपको बता दूं कि शिव जो है थोड़े समय पहले उन्होंने स्टोरी डाली थी कि वो पैकिंग भी कर रहे हैं कपड़ों की। तो आप शिव को मतलब देखने के लिए खतरों के खिलाड़ी में कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो, और यही नहीं बल्कि आपको क्या लगता है कि क्या शिव जो है वो खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 के विनर बनेंगे, इस पर आपकी क्या राय है हमें ज़रूर बताएगा हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर। और इसी तरीके की और भी बहुत सारी अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, यानी कि फीफा फूज के साथ। धन्यवाद।